जब सागर से सागर की बूंद निकली, सागर से सागर की बूंद निकली, सागर की बूंद का स्वभाव वही होगा जो सागर का है। पूर्ण आत्मा से पूर्ण आत्मा ही जन्म लेगी। हाँ, तो जो शेर का बच्चा, शेर पूरा शेर, अधूरा शेर नहीं। शेर ने अगर बच्चे, माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो ये थोड़ी ना आधा अधूरा, उसके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सब कुछ है। चलो मैं अपना फेवरेट वाला एग्जाम्पल लिखता हूँ। एक माचिस की डब्बी है, और माचिस की डब्बी में से बहुत सारी तीलियां निकलती हैं। तो बहुत सारी तीलियां कहती हैं कि बहुत सारी तीलियां नजर आती हैं, और तीलियां बोलती हैं, अरे भाई मैं भी हूँ, मैं भी जला सकती हूँ, मैं भी जला सकती हूँ, यस आई एम सेम, मैं भी अग्नि लगा सकती हूँ, मैं भी जोत जला सकती हूँ, मैं भी जोत जला सकती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम भी एक मोमबत्ती जला सकते हो, तुम भी जला सकते हो, सब जला सकते हो, सब अपने अपने शहरों में काम कर रहे हो, बट बेसिकली वो लास्ट में माचिस की डब्बी के अंदर ही जाएंगी। माचिस की डब्बी एक ही है। अब जो वो माचिस की डब्बियां हैं, अब वो बहुत सारी माचिस की डब्बियां, ठीक है, तुम भी बड़े हो गए, तुम भी प्रोग्रेस कर ली, अब तुम भी माचिस की डब्बियां बन गए हो सारे, अब तुम्हारे अंदर से बहुत सारी तीलियां निकल रही हैं, लेकिन वो माचिस की डब्बी का एक बड़ा बॉक्स होता है जिसके अंदर 12 माचिस के डब्बे आते हैं। बस इस गेम को जैसे तुम्हारी चेतना समझ जाए बेटा, इस गेम को समझना है, इस एग्जिस्टेंस को समझना है, इस कियोस को समझना है। तो जब इस कियोस को दीपक चोपड़ा समझाते हैं तो वो बार बार ब्राह्मण तत्व की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, ब्राह्मण शब्द बोलते हैं वो कहीं ना कहीं अपने वेदों की लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो ऐसे ही हर मास्टर, चाहे वो थियोसॉफिकल सोसाइटीज मास्टर्स हैं, चाहे वो सांख्य योग हैं, जनाना कोटि के हैं, अलग अलग मान के चलती हूँ कि अपने उदासीन संप्रदाय के हैं, शिवोहम संप्रदाय के हैं, श्री श्री 1008 के जो शैव मत के हैं, तो हर जो मत है ज्ञानियों का, जो जनाना कोटि का, वेस्टर्न कल्चर्स का, इंडियन कल्चर्स का, जो भी है, वो बेसिकली घूम फिर के, जब घूम फिर के पीछे जाओगे, पीछे पीछे, तो वहां पे तुम्हें बस एक आएगा, एक ओंकार सत्यनाम, ओम, वन लाइट, वन लाइट। सो नाउ डू योर वर्क, दैट्स इट, डोंट डोंट जस्ट लुक एट द गेम। अब जितना गेम तुम्हारा दिमाग ले पा रहा है उतना गेम ले लो, कंफ्यूज मत होना, जो कंफ्यूज हो जाएंगे उनका ही रास्ता छूट जाएगा। कंफ्यूज जो हो गए, मान के चलो 10 तरह की बातों में चले गए, मान के चलो 10 तरह के अलग अलग, एक मैं पढ़ती हूँ, मुझे एक मास्टर समझा रहे हैं जो वो वाले संप्रदाय के हैं, एक मुझे समझा रहे हैं जो स्वामीनारायण संप्रदाय के हैं, एक मुझे समझा रहे हैं जो ओशो से बिलोंग करते हैं, सबकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, सबके शब्द डिफरेंट हैं, टर्म्स अलग हैं। तो तुम्हें बस इतना देखना है, तुम किससे रेजोनेट कर पा रहे हो, दैट सिंपल। तुम रेजोनेट किससे कर पा रहे हो, जिससे तुम रेजोनेट कर पा रहे हो, बस उसकी तरफ देखो और वो वाली भाषा को अपना लो। हार्डली मैटर्स हिंदी में, कई लोग बात करते हैं हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हम इनलाइटेड हो जाएंगे क्या? तो आत्मा का तो भाषा से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो मराठी है, बंगाली है, साउथ इंडियन है कि फिलीपींस है, फिलिपिनो है, या मॉरिशियस का है, या कोई भी कंट्री का है, कोई भी भाषा जानता है, कोई भी रूप जानता है, कोई भी आकार जानता है, जो भी गॉडेसेस एनर्जीज को देखोगे तो सबसे पीछे वो आदिशक्ति माँ ही है। आदिशक्ति को तुम ड्रॉ कैसे करोगे, मुझे बताओ कैसे ड्रॉ करोगे? अमेरिकन गॉडेसेस देखते हो, इजिप्शियन गॉडेसेस देखते हो, अलग अलग कंट्रीज की हजारों गॉडेसेस, बट उनके पीछे अगर हमने जब सभ्यताओं की खोज की और ये पाया, तो हर जगह वो रूप जो बना रखा था वो अष्टभुजाधारी ही बना रखा था। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड कि जब मैं इस बात के लिए, हम कर रहे थे गॉडेसेस के ऊपर कर रहे थे, और रोज अलग अलग गॉडेसेस, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, तो जो खुदाई में चीजें मिली थी वो लास्ट में वही इशारा करती थी आदिशक्ति के अलग अलग रूपों की तरफ। तो दैट्स इट, दैट्स इट।